वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनवरी 2020 के जनवरी मंथ के पूरे महीने के जितने भी नए पदाधिकारी, नव नियुक्ति, नए एमडी, सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कमिश्नर नियुक्त किए गए, उनके संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नए पदाधिकारी या नवनियुक्ति से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप निश्चित रहे। पूरा वीडियो देखिए, सारे नए पदाधिकारी और नवनियुक्ति को इस वीडियो में कवर किया गया है जनवरी मंथ के केवल, तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, सुरेश चंद्र शर्मा को किस आयोग का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग। तो सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो पिछले वर्ष भारतीय मेडिकल परिषद का विघटन करके राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश चंद्र शर्मा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, उमारो सिसोको इम्बालो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उमारो सिसोको इम्बालो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर गिनी बिसाओ। तो गिनी बिसाओ के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो उमारो सिसोको इम्बालो। तो गिनी बिसाओ पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह देश 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ महतो किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए और हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुदस फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इस्माइल कानी। तो ब्रिगेडियर इस्माइल कानी को ईरान ने अपने शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की जो ड्रोन से हत्या कर दी थी अमेरिकी सेना द्वारा, तो उसके स्थान पर इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए भारतीय मूल के किसे जज के पद पर नियुक्त किया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन थे सामिया नसीम को, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए भारतीय मूल के सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, जोरान मोलानोविक ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, क्रोएशिया। तो जोरान मिलानोविक ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान देश की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में किसे शामिल किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है, मदन लाल, गौतम गंभीर और सुलक्षणा नाइक को शामिल किया, तीनों को शामिल किया है हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में। अगला क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2020 में भारतीय महिला टीम की कप्तानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। महिला T20 विश्व कप 2020 में भारतीय महिला टीम की कप्तानी करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखनऊ और किस शहर में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नोएडा। तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा शहर में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू किया गया है। तो सुजीत पांडे को लखनऊ और आलोक सिंह को नोएडा का प्रथम पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है AP महेश्वरी। तो AP महेश्वरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन माइकल पात्रा। तो माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और हमारे RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो 25वें गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को नियुक्त किया गया हाल ही में। अगला जो 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला ऑफिसर कौन है? इसके कैप्टन तानिया शेरगिल। 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर मिहिर शाह। डॉक्टर मिहिर शाह को हाल ही में राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट कमेटी। अगला क्वेश्चन, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है गिरीश कुमार। तो गिरीश कुमार को हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। लिंगम वेंकट प्रभाकर को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है हाल ही में? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर को हाल ही में नए MD एंड CEO बने केनरा बैंक के, लिंगम वेंकट प्रभाकर। आगे चलते हैं, हाल ही में पेट्रो संजेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी स्पेन। तो पेट्रो संचेज को हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC, यहाँ पे AEPC का फुल फॉर्म है अपैरल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन था ए शक्तिवेल। तो ए शक्तिवेल को हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आवास व शहरी विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर है एम नागराज। तो एम नागराज को हाल ही में आवास व शहरी विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, हैथम बिन तारिक अल सैयद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है हाल ही में? क्वेश्चन है ओमान। तो ओमान के नए सुल्तान बने हैथम बिन तारिक अल सैयद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन AM संप्रे। तो AM संप्रे को हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन होता है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने अविनाश पंत को अपना मार्केटिंग हेड नियुक्त किया है बनाया है? क्वेश्चन है फेसबुक। तो फेसबुक ने हाल ही में अपना मार्केटिंग हेड किसे नियुक्त किया है? तो अविनाश पंत को। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे अशोक कंसल नहीं है, आलोक कंसल है। आलोक कंसल को किस रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है हाल ही में? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है पश्चिम रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है आलोक कंसल को हाल ही में। अगला क्वेश्चन, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी रूस। तो मिखाइल मिशुस्तिन रूस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईडीबीआई बैंक का डिप्टी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का होता है सुरेश किशन चंद खतनार, तो सुरेश किशन चंद खतनार को हाल ही में आईडीबीआई बैंक का डिप्टी एमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी गणतंत्र दिन की परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है तानिया शेरगिल। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन का उत्तर माल्टा, तो रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हाल ही में। अगला क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर युवराज मलिक, तो युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा को हाल ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, भारतीय तीरंदाजी संघ का। तो किसे नियुक्त है? अर्जुन मुंडा को। अगला क्वेश्चन, हाल में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर नुपेंद्र मिश्रा, नुपेंद्र मिश्रा को हाल में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का SK सैनी, तो SK सैनी को हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया, और भारतीय सेना के प्रमुख नए नियुक्त किए मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय सेना के नए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, JP नड्डा भाजपा के कौन से क्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए बने हैं हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर 11वें, तो JP नड्डा हाल में भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भाजपा के 11वें, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त? JP नड्डा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को कौन सी बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया है? तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को। अगला क्वेश्चन, आशीष गर्ग को किस कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष चुना गया हाल ही में आशीष गर्ग को। अगला क्वेश्चन, यूनिटेक का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन, युद्धवीर सिंह मलिक, तो युद्धवीर सिंह मलिक को हाल में यूनिटेक का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? क्वेश्चन, वाणिज्य व उद्योग मंत्री हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कटरीना सकेला रोपोलू हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी ग्रीस, तो हाल ही में ग्रीस की नई प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? कटरीना सकेला रोपोलू। अगला क्वेश्चन, हसन दियाप को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी लेबनान, तो हसन दियाप को हाल ही में लेबनान का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन कांग को किस कंपनी का प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सैमसंग, तो हाल ही में केन कांग को सैमसंग का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक एसोसिएशन IBA के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन का उत्तर है सुनील मेहता, तो सुनील मेहता को हाल ही में भारतीय बैंक एसोसिएशन IBA बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, तरनजीत सिंह सिंधु को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका में,
तो तरनजीत सिंह सिंधु को हाल में अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी कतर। तो शेख खालिद बिन खलीफा को हाल ही में कतर का नया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अतनु कुमार दास को हाल ही में किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अतनु कुमार दास को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का संजीव चड्ढा। तो संजीव चड्ढा को हाल ही में किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगला क्वेश्चन, सचिन बंसल ने हाल ही में किस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में संजीव कौशिक को किस बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंडियन बैंक। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में संजीव कौशिक को इंडियन बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है। अगला, सेल्फ ड्राइव कार रेंटल कंपनी जूमकर ने अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का सीवी रामचंद्रन। तो सीवी रामचंद्रन को हाल ही में जूमकर कंपनी ने निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है अग्नि प्रसाद। तो हाल ही में अग्नि प्रसाद ने नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन, ओला ने कॉरपोरेट मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजीव शेट्टी। तो संजीव शेट्टी को ओला ने कॉरपोरेट मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में संजीव शेट्टी को नियुक्त किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जगन्नाथ महतो। तो जगन्नाथ महतो को हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है और रामेश्वर उराव को उद्योग वित्त मंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन। इस क्वेश्चन बी आनंद को हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की मूल की गीता सब्बरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का थाईलैंड। तो भारतीय मूल की गीता सब्बरवाल को संयुक्त यूनाइटेड नेशन ने थाईलैंड देश में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? तो गीता सब्बरवाल को। अगला क्वेश्चन, विनय मोहन कवात्रा। तो विनय मोहन कवात्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर नेपाल में भारत का एम्बेसडर नेपाल की तरफ से भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विनय मोहन कवात्रा को। अगला क्वेश्चन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर जनक राज। तो जनक राज को हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला को देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। तो हाल ही में सुनील अरोड़ा को दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
इसके से एम अजीत कुमार को हाल में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अबिद अली जेड नीमच वाला ने हाल में सीईओ किस कंपनी के सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि घोषणा। तो इसके सिंह ऑप्शन है विप्रो कंपनी के सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा देने की घोषणा की अबिद अली एम जेड नीमच वाला ने हाल ही में। अगला क्वेश्चन, अजय बिसारिया किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, इसके से ऑप्शन डी कनाडा। तो अजय बिसारिया कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हाल ही में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किया जाने की घोषणा की गई हाल ही में, इसके से आईबीएम। तो भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को आईबीएम कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हितेश चंद्र अवस्थी ने किस राज्य के अंतरिम पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है हाल ही में, क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हितेश चंद्र अवस्थी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतरिम पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल पुलिस का रूप में कार्यभार संभाला है हाल ही में। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।